राम जय जय राम श्री राम जय जय राम दर्शनम दर्शनम हंति पंकः पंकम व्यपोहति पयः पानम अधो गति ही अधो गतिम। गंगा जी की महिमा में ये श्लोक बनाया गया है। गंगा जी का दर्शन संसार के दर्शन को प्रपंच दर्शन को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, मार देता है। गंगा जी की ओर देखोगे तो संसार नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे सब भूल जाएगा। पंकः पंकम व्यपोहति गंगा जी का कीचड़ मिट्टी अपने शरीर में लगा लिए तो सारा पाप जो है तुम्हारा दूर हो गया। पयः पानम गंगा जी का पयपान जल पान किए तो फिर माता का पयपान नहीं करना पड़ेगा, 9 महीने गर्भ में नहीं रहना पड़ेगा, माता का स्तनपान नहीं करना पड़ेगा। अधो गति ही अधो गतिम गंगा जी में अधा गति किए, डुबकी मारे उतरे नीचे डुबकी मारे तो फिर नरक आदि की अधोगति नहीं होगी, ऐसा बता दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग नाम नाम अकारी भगवान, देखो भगवान के कई नाम है, जो नाम तुमको पसंद पड़ जाए, गोपाल गोविंद राम शिव कृष्ण दुर्गा, तो किसी नाम को पकड़ लो। नाम नाम अकारी बहुधा बहुत से नाम भी बना दिए गए। अन्य सर्वशक्ति तत्रार्पिता उन नामों में अपनी पूरी शक्ति को भगवान क्या करते हैं, अर्पित कर दिए हैं, लगा दिए हैं उसमें। कोई भी नाम तुमको पहुंचा देगा पकड़ो तो उसको। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, और समय का नियंत्रण भी नहीं है कि इसी समय में जपो, खा पी के भी भजन कर सकते हो, तो कहने के भगवान को याद ही तो करना है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, समय का भी कोई बंधन नहीं है। एतादृशी तो कृपा है भगवान, आप ऐसी कृपा हम लोग पर किए हैं। एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। यह जनिन अनुराग, ऐसे आपके नाम में हम लोगों का जो प्रेम नहीं हो रहा है ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। वही बता रहे हैं भगवान का नाम जो है कल्याण करने वाला है। भगवान का नाम जपो, भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान की लीला कथा को पढ़ो सुनो, भगवान की लीला को देखो, भगवान के धाम में जाकर के रहो, सत्संग सुनो, कीर्तन भजन करो, साधुओं की सेवा करो, तुम इसी जन्म में बाजी मार ले जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बात यह है कि चंचलता से ये चीजें नहीं प्राप्त होंगी, चंचल स्वभाव वाले को सब नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध राज छोड़ करके साधु हो गए, जवान स्त्री छोटा सा लड़का जन्म लिया था राहुल, छोड़कर साधु हो गए, बहुत घूमे इधर उधर भटके, बुद्ध गया में जाकर करके एक आसन पर बैठ गए, संकल्प दृढ़ संकल्प ले लिए कि इस आसन पर बैठे बैठे शरीर सुख जाए तो सुख जाए। यह आसनेषु सतिमे शरीरम तो अस्थि मांसा निलयम प्रयांतु चमड़ी हड्डी मांस क्या हो सब लय हो जाए, नष्ट होना हो नष्ट हो जाए। अप्राप्य बोधम, जब तक बोध हमको प्राप्त नहीं होगा, जो बहुत जन्मों में दुर्लभ है वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा, नहीं वासनात् कायमिदं चलिष्यति, इस आसन से यह शरीर उठेगा नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर करके बैठना चाहिए तब तो कुछ की प्राप्ति होगी। निसंगता मुक्ति पदम यति नाम संगाद से सा प्रभवंती दोषा आरूढ़ योगो विनिपात्यते दा संगेन योगी किमताल प्रसिद्धि। निसंगता मुक्ति पदम यति नाम, जो इस मार्ग में यत्न कर रहे हैं यति लोग सन्यासी लोग, उनको क्या है तो निसंग रहना, यादे संग में किसी के न रहना, संग से ही दोष पैदा होता है, उनके प्रति मोह होता है जिनके साथ रहते हो, तो निसंगता जो है मुक्ति को देने वाली है। संग आदशेषा प्रभवंति दोषा, संग से ही संपूर्ण दोष पैदा होते हैं। आरूढ़ योगो विनिपात्यते दः, जो योग में आरूढ़ है ऊंचा उठ चुका है वो भी जो है क्या संग से गिर जाता है, विनिपात्यते दः नीचे गिर जाता है। संगेन योगी किमताल प्रसिद्धि, संग दोष से ये सब होता है। अल्प सिद्धि वाले को क्या होता है, छोटी सिद्धि वाले को जो थोड़े दिनों से भजन कर रहा है उसके पतन में क्या कहना, उसका तो पतन जल्दी ही हो जाएगा। योगी लोगों का भी पतन हो जाता है जो योग में आरूढ़ हो चुके हैं,
जिनकी समाधि इत्यादि भी लगने लगी है उनका भी पतन हो जाता है। इसलिए निसंग रहो, ज्यादा किसी का संग साथ न करो। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं कोई आए तो भी ठीक। श्री राम जय जय राम।